पासवे न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का शख्सियत दे विच स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजोत सिंह। जिंदगी दी हताशा सानू कई बार इन्नी परेशान कर दिंदी है कि असी लोग अक्सर टुट जाने हैं, पर अजिहे लोगों ने भी इस दुनिया के उत्ते जन्म लिया जो अपनियां पैड़ां बनाउंदे ने, अपने तरीके दे नाल जिंदगी जींदे ने, अपनियां शर्तां दे नाल जिंदगी जींदे ने और दुख तकलीफां नूं बहुत पिछे छड्डदे ने, इन्ना पिछे कि शायद एक नवी बुलंदी उह छूंदे ने। और इन्हां लोगों के नाल गलबात करके मुलाकात करके जिस एक सुखद अनुभव का एहसास होंदा है शायद वह होर कितें भी नहीं हैगा। अजिही एक शख्सियत दे नाल अज तुहाडी मुलाकात करान जा रहा। पंजाबी सिनेमा होवे चाहे क्रिकेट की वह दुनिया होवे, इन्हां ने अपना वखरा नाम बनाया, वखरी मुकाम और इतिहास के विच एक अजिहा बुलंद सितारा बन के सामने आए ने और अपने परिवार के विच भी एक अजिहा रोशन सितारा इन्हां ने दिता है कि दुनिया के उत्ते अज इन्हां दा नाम हैगा। मेरी मुराद है जी योगराज सिंह जी दे नाल, बहुत बहुत स्वागत है जी फास्ट न्यूज़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। थैंक यू सो मच योगराज जी। जिंदगी दे विच इन्ने इस इत्थों तक आके मुकाम तक संतुष्ट हैगे हो अज लाइफ तो? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो कुछ बंदे दे मकसद तुहाडे मत्थे ते लिखिया है रब ने वह हमेशा पूरा हुंदा। आपां जिथे मर्जी भज लीए और जे बंदा रब की रज़ा च रहना सीख ले, मैं समझदा शायद उन्हें जिंदगी कदे शिकायत हुंदी नहीं। और मैनू अपनी लाइफ के कदे किसी चीज़ ने शिकायत हुई नहीं, बेशक वह क्रिकेट का मैदान सी या फिल्म इंडस्ट्री है या मेरी फैमिली है या मेरे रिश्तेदार है या मेरे दोस्त ने, जो कुछ भी है। लेकिन हाँ, मैं उस किताब को बड़ा खोल के रखे और मेरी सारी दृढ़ता, मेरी सारी जी पावर है या मेरी सोचन शक्ति है या मेरा शरीर है या मेरे अंदरूनी जी स्पिरिचुअल पावर है, वह सारी तो सारी बाबा दीप सिंह जी ने जुड़ी है जब का मैं जन्म लिया। क्योंकि शायद ये गल का सब नूं पता है कि मेरे पिता जी 72 साल के सी जब मैं पैदा होया, तो मेरे माता जी 31 साल दे सी। राणे वाले संतां दी बख्शिश नाल मैं पैदा होया, तो उन्होंने मेरी माँ को आख्या सी, क्योंकि मेरी माँ ने 12-13 साल बहुत सेवा की राणे वाले संतां गुरुद्वारे जाके, और उत्थे इन्हां दे घरे औलाद नहीं सी हुंदी, तो उन्होंने कहा सी वी तैनूं असीं बाबा दीप सिंह जी दा लाडला पुत देंगे। मैनूं इस गल की बड़ी खुशी हुंदी है और मेरे तो वड्डा खुश नसीब इंसान कौन हो सकता है जिहड़े जिंदगी लोग ये भाड़ते हैं किसी लाइफ के मोक्ष मिल जाए, मैं गुरु मिल जाए और मैं एक ऐसा गुरु का लाल नमाणा जहा और जुत्ती की मिट्टी भी नहीं मैं बन सकिया, पर इन्ना मैं जरूर जिंदगी दे विच अपने खुश नसीब समझदा कि मैनू गुरु मिलया, मैनू प्यो वर्गा गुरु मिलया और मैं दसवें पातशाह वर्गा पिता मिलया, और उन्होंने दृढ़ता नाल ही मैं जन्म लिया। तो सारी जिंदगी अज तक जी मैं कढ़ी है वह सारी उन्होंने बख्शिश नाल, उन्होंने मेरी बाँह फड़ी, उस निरंकार ने मेरे ते बख्शिश की और मेरे इम्तिहान भी बड़े सख्त हुए। लेकिन इन्ना जरूर है कि जिस तरह सवाल पूछा कि संतुष्ट हाँ, मैं इन्ना संतुष्ट हाँ कि मैं थोड़ा बयान ही नहीं कर सकता। बहुत सारिया अप्स एंड डाउनस हर बंदे की जिंदगी आते हैं, बड़ी जाहिर जी गल हैगी है, पर कोई खास खास अप जिहड़ा होवे जिंदगी का एक ऐसा मोमेंट जिहड़ा योगराज सिंह हमेशा नाल संभाल के चलता? मेरा ख्याल गल उत्थे ही आ जानी जिथों भी तुम शुरू करोगे। मैं जब छोटा जा सी तो मेरे माता जी अक्सर मैनू कहंदे हुंदे सी कि बहुत बुजुर्ग आदमी को पहरा दिंदा जब तू सुता हुंदा। एक गल उन्होंने मेरे पिता जी ने भी शेयर की, तो मेरे पिता जी एक बड़े शिकारी किस्म के बड़े SSP और डील डॉल 6'4" जिदा बंदा, कदे ना कदे महसूस करते कि यार बुढ़िया ऐवी गल्लां मारदी रहिंदी। वो कहते तू किहड़े बाबे की गल्लां करदी है, वो कहते तुहानू पता होना चाहिए भी बख्शिश नाल आपां नूं पुत मिलिया। और जद जद भी उन्होंने गल कही है, मेरे पिता जी बड़े बीमार हो गए इस गल नूं और एक दिन फिर बाबा जी ने दर्शन दिते, तो मेरे कमरे च एक दिन बाबा दीप सिंह की बड़ी वड्डी फोटो लिया के लगी सी, तो मेरे माता पिता ने कहा बेटा ये बाबा जी तेरा तेरे आले दुआले घूमते रहिंदे आ। सो बाबा दीप सिंह जी मेरे गुरु, मैं उन्होंने अपना पुरख समझदा, गुरु नानक देवी तो लैके मेरे 10 गुरु, गुरु ग्रंथ साहब, देवी देवते, पीर पैगंबर, मैं इन्होंने अपना परिवार समझदा और इन्होंने दी हमेशा आराधना करता और इन्होंने होंदे हुए तुम तत्ती हवा किमें लग सकती है। तुसी बहुत सारी इंटरव्यूज तुहाडियां सुनिया भी हैगियां मैं, और जिस तरह तुसी अपने आप नूं प्रेजेंट करदे हो दुनिया के सामने, मैं अक्सर असी देखते रहने हैगे हां, पर इंज क्यों लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा हैगा योगराज सिंह की जिंदगी? अधूरा इंसानियत तौर पर जो सवाल पूछा है, बहुत कुछ अधूरा है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता सी, बड़ी मेहनत की, मैं सुनया कि तुसी इन्नी मेहनत करो थोड़ा जिंदगी सब कुछ मिलता है, लेकिन वो चीज़ मैंने नहीं मिली, लेकिन वो पुत दे रूप च मिली। फिर मैं क्रिकेट कोचिंग जिथे आप बैठे हाँ, मैं 37 साल हो गए, मैं बच्चों वास्ते मैं इन्होंने शायद जन्म नहीं दे सकया, पर मैं इन्होंने अपनी माँ तो वध के प्यार किया, प्यो तो वध के प्यार किया,
और बड़े प्लेयर बड़े लोग इस दुनिया च बने ने, नामी गामी होए ने, कल्ले क्रिकेटर नहीं बने, कोई पायलट बनया, कोई आईएएस अफसर बनया, कोई पुलिस अफसर बनया, और वो अज 200 250 400 जिहड़ा बच्चा है वह जिंदगी दे मकाम ते इस ते खड़ा है, जबकि मैनूं सुण नूं मिलदा है कि सर तुसीं साडे पिता तुसीं साडी माता, वो चीज़ मैनूं बड़ी खुशी दिंदी है परसनल तौर पर। हाँ, मैं कई बार महाराज ने सच्चे पातशाह ने कहा भी हुण तां बहुत हो गई, हुण तां मैनूं सूस समेत दे दे वापस, मैं बहुत कुछ इदां नहीं जिंदगी जीवन जाना नहीं चाहता। बैठे 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 मैंने भाग मिलखा भाग मिली, मैं घर बैठा सी, रब ने सुनी वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई, मेरा एक बड़ा नाम होया, सिंग इज ब्लिंग मैं मिली, बड़ी फिल्म चली, अज बाबा जी की मेहर ना मेरे को 25-30 हिंदी फिल्मा पंजाबी फिल्मा, अज मैं उही मकाम मिल रहा है, और अगे अगे जाके मैंने महसूस हों कि योगराज सिंह जो तू नहीं पाया वो तेनों रब ने सूस समेत आने वाले समय दे देना। अधूरापन जिंदगी कई चीज़ों का जरूर हैगा कि बंदा जिन्हों तो प्यार भालदा है उन्होंने नहीं मिलया, जिन्होंने अपना भरा समझदा उन्होंने नहीं मिलया, जिन्होंने अपना समझदा उन्होंने नहीं मिलया, लेकिन मैं समझता जे तुहानू इहो जिहा सट्टा ना मिलन परिवारिक रूप से, बच्चों के रूप से, दोस्तों के रूप से, रिश्तेदारों के रूप से, फिर तुम रब का पैड भी नहीं फट सकते। सो अज मैं महसूस हों कि जो कुछ मेरे तो लिया गया, जो कुछ मेरा इंटरनेट वजी खानदान की परिवार की मेरी लाइफ बहुत कुछ होया, वो शायद इस करके होया कि मैं रब कहता सी या मेरा लड़ फड़ लै तो या दुनिया का फड़ लै, तो मैं तुम्हें यह कसम खा के कह सकता जिंदगी दे विच कि मैनू इहो जिहा लड़ मिलिया जिदे उत्ते कई परिवार वार दे, सारी दुनिया वार दे, सारा ब्रह्मांड वार दे। पर परिवार की मैं गल करनी चाहूँगा, बहुत बार सुनिया है, मैं फिर दोबारा उत्थे दोहराऊँगा, तुम अक्सर गल करते रहने है, बहुत सारिया चीज़ा होंदिया रही और शायद हुई है, पर युवराज का जिहड़ा कैंसर का दौर सीगा शायद वो एक पिता के रूप दे विच कोई भी डिफरेंसेस हो रहे होण उन्हूं आपां पासे रख दिए बहुत औखा वक्त सीगा। डिफरेंसेस रब नाल ना होण, गुरुआं नाल ना होण, इह तां बड़ी छोटी मोटी चीज़ां दी डिफरेंस की गल कीती है। मेरे जहन च इक गल रहिंदी सी कि मेरे घरे जे बेटा होवे तां वो एक फकीर चैंपियन होवे, तो सवेरे शाम पाठ करन वाला होवे, गेम खेले तो लोग उन्होंने कहन वाह क्या फकीर आदमी है। युवराज सिंह ने सब कुछ किया, लेकिन कितने ना कितने डाउन द लाइन मैनू यह महसूस हुंदा सी कि जो मैं चाह रहा हो नहीं रहा, बड़िया खबरां मैं उहदे बारे पढ़ता सी, बड़िया चीज़ों का मैं पता भी सी। मैं एक दिन रब ना मेरा जो भी है, मैं बाबा दीप सिंह के मूहरे आया बह जाना, जो मैं थोड़े मूहरे बैठा या मैं लोगों के मूहरे बैठा और मैं कह दिना भी पिता जी जे कलगी लाउणी तो इहो जी लाया जिहनूं चंद सूरज भी देखो, जे पुत देना तो इहो जिहा दिओ जिहनूं सारी दुनिया देखे लेकिन होवे नेक कुछ इहो जिहा भी होवे, फकीर होवे ना जपण वाला होवे। कितना कि गल मेरे दिमाग चो निकली, कोई गल कैंसर की गल आई, मैं पता सी कुछ ना कुछ समथिंग इज़ रोंग, क्योंकि जब खंघता सी जिस बच्चे तुम्हें पालिया हो अपने हथी तो उन्होंने पता होंदा, इहदे दादा जी की भी सेम प्रॉब्लम सी, मैं भी सेम प्रॉब्लम चो गुजरिया, कोई फैमिली दे विच शायद कोई ऐसी गल हैगी है कि पड़दादियां नूं भी ये प्रॉब्लम्स आईयां। वो कैंसर ब्लैसिंग इन डिसगाइज़ हुंदा, कई बार रब तुहानूं कोई चीज़ दिंदा ना तो वो भी कमाल हो जाती है। जे युवराज सिंह नूं कैंसर ना हुंदा तो युवराज सिंह कैंसर तो वापस ना आउंदा, आ के हिंदुस्तान दोबारा ना खेडदा, फिर उन्हूं धूनी वर्गे टीम चों ना कढ दे, फिर वो दोबारा मेहनत करके ना खेडदा, फिर युवराज सिंह तो दुनिया च फर्क की रह जाता। सो अज दी डेट जब मैं देखदा कि सवेरे 5 बजे उठ के उन्हें चौंकड़ा मारिया हुंदा तो जपजी साहब का पाठ हो रहा जी, काका जी 2 घंटे पाठ कर रहे हैं, ग्राउंड च जा रहे हैं, और उन्होंने रब ने की दी इन्नी ग्रेट एक लड़की आई जी रब के दरबार चो आई, बेशक वो स्कॉटलैंड की है, वो अज यूबी नूं सवेरे उठ के मेहनत कराउंदी आ, जिहड़ी फिटनेस दा राज है उहदा हेज़ल दा बहुत वड्डा हत्थ है उहदे विच कि उहनूं इन्नी खूबसूरत इन्नी होणहार पत्नी मिली। सो मैं समझदा उह कैंसर जिहड़ा सी उह इक ब्लैसिंग इन डिसगाइज़ होया, लेकिन उस तों बाद जो चेंज आई जद बंदा मौत नूं देख के वापस मुड़दा है उस तों बाद या तो खत्म हो जांदा है तो या फिर ऐसा जीवन जींदा है कि लोग कहिंदे ने वाह जीवन होवे तां इदां दा होवे। मैनूं कदे कोई इस चीज़ का शक नहीं सी, ना मैं कदे बुढ़िया वांगू रोया मावां वांगू भी हाए की हो गया फलाना हो गया, उहदी चीज़ आ भाई जद मर्जी तू दे दे जद मर्जी लै जा, मेरा एक सिंपल थॉट है। अज की डेट च जब युवराज सिंह मेरा बेटा नहीं सी तां वी मैं जिंदगी गुजार रहा सी, रब ने मैनू यूवी दिता, मेरे बाकी बच्चे दिते, फैमिली दिते, जो कुछ भी दिता उस परमात्मा दिता होया, तो जे कल नूं लै भी जाऊगा तो मैनूं दुख कहदा। जे 10वें पातशाह दे पुत हो के अपने पुत वार के जय जयकार जो कर सकते हैं तो आप जुत्ती बन के नहीं कह सकते तेरी मर्जी है लै जा नहीं कलगी ला दे, तो कलगी लग ही गई है, हाथी की पूंछ रह गई है वह भी पूरी हो जानी है। युवराज ने हुण सिलेक्शन जिहड़ी युवराज की दोबारा हो गई है,
की कहना चाहोगे उसदे ते? मैं कहना की है जिहड़ी गल हैगी मुँह चो निकलदी और रब ही कढ़ाउंदा। मैं आप तो बोलता नहीं, मैं तो हमेशा कहना जो तुसी करदे कराउंदे हो जो तुहाडे मुँहों निकलदा वह कुदरती कराउंदी है, और जब तुसी गुरु घर दे एडे नेड़े हो तो जो तुसी बोल कहोगे वह पूरे होंदे है। जब तैनू कैंसर सी वर्ल्ड कप की टीम सी, मैं एक लफ्ज़ कहे सी भी ये मैन ऑफ द सीरीज होगा, मैं नहीं सी कहा, रब ने बुलाया पूरा हो गया। हुण वह वापस आया, धोनी ने नजायज़ की है, मैं डंके की चोट ते कहना नजायज़ की है, कोई गल नहीं होगी, गल खत्म होगी। अज दौर वापस मुड़िया है, वह मेहनत कर रहा है, उन्हें अज 2020 आया, कल वन डे आया, कल वो टेस्ट आएगा, हिंदुस्तान की टीम का कप्तान भी बनेगा। मैंने पता इस तरह होना है, जब तुसी कोई थोड़ू नेरी पिछे सुटती है और तुसी जब वापस आने हो उस बंदे की हिम्मत घट घट होंदी है, परमात्मा का थापड़ा ज़्यादा होंदा। जो चीज़ा शायद अधूरिया रह गई हैं योगराज सिंह दे जीवन चो, युवराज एज ए फैमिली पूरी करते नज़र आऊगा? भाजी मैं ना दूजे की खुशी च खुशी है, मैं जिंदगी कदे अपनी, कपिल मेरा सब तो प्यारा दोस्त बचपन का सीगा तो रहूगा, मैं उसकी खुशी च खुशी हमेशा ली है। लेकिन जो कुछ उन्हें किया, मैं सिर्फ उन्होंने दिखाना चाहता सी कि भाई गल ये तकदीर बंदे नहीं लिखते, तकदीर खुदा लिखता है। इस तरह जो कुछ भी है वो मैनू रब आप ही कर रहा है, और उस चीज़ के यूवी या मेरे बच्चे या मेरे परिवार या मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार ये सैकेंडरी चीज़ा ने। मेरे लिए सब तो पहला जरूरी ये है कि मैं उस परमात्मा ने जिन्हें मैं सब कुछ दिता है, जिन्हें मैं सब कुछ लैके भी दोबारा दिता और दे रहा है और दे ही जा रहा है, मैं सब तो पहला उसका शुकराना करा। उदू तो ना टुटो, भावें मैं दुनिया सारी छड़ दे, भावें परिवार छड़ दे, भावें न्याणे छड़ दे, भावें जनानियां छड़ जा, आई डैम केयर, मैं सिर्फ इको चीज़ है, मेरा रुस्से न कलंगिया वाला जग भावें सारा रुस जाए, बस मैं इको चीज़ हमेशा रहती है कि मैं ऐसा काम ना करता कि मेरा रब नाराज़ हो जाए। धोनी का तुम इल्ज़ाम की गल की हैगी है कि धोनी ने बुरी की, हूँ जो सिलेक्शन हो गई है क्रैडिट दोगे धोनी? नहीं नहीं, धोनी तो हम चल ही नहीं रही, वो तो पूछे किसी नहीं, या तो सिलेक्टर उधर पुछते उन्होंने टीम बनाने, मैं सिर्फ देखो मेरा तो कोई वैर नहीं है, मेरा कपिल ना कोई वैर नहीं, मेरा धोनी ना कोई वैर नहीं, मेरा बच्चा है। लेकिन मैं जिंदगी दे विच तुसी ठोक के कहो कि हाँ भी तेरी मेरे नाल नहीं बनती तो मैं तेनों टीम च नहीं रखना। बयान बिशन सिंह बेदी मैं कहता भी तू गवास्कर का बंदा, मैं तेनों टीम च नहीं रखना। मैं कहा जी स्वाद आया ना गल का, मजा आया ना, तुम क्या ठीक है फाइन नो प्रॉब्लम, तो मैं हैगा भी तो मैं खेडूंगा बंबई जाके, नहीं इंडिया खिलाऊंगे ना सी, आई लाइक इट। धोनी कहे कि हाँ भी मैं युवराज सिंह पसंद नहीं, मैं नहीं रखना। एक पासे तुसी ये कह रहे हो कि जी वो साडा स्पैशल प्लेयर है, साडा ग्रेट प्लेयर है, और दूजे पासे तुसी डिलीबरेटली उन्हें टीम चो कढ रहे हो, वाई बिग क्वेश्चन मार्क। जे युवराज सिंह वास्ते यार्ड स्टिक एक है तो बाकी वास्ते क्यों नहीं है? मेरा धोनी ना कोई लैन देन नहीं, पर मैं एक चीज़ दूर दस देना चाहता कि तेनू भी गलत फहमी सी कि तू बच्चे प्लेयर की तकदीर लिखता, कपिल देव नू भी गलत फहमी सी, ओदी भी गलत फहमी खत्म होगी, तो तेरी भी अद्धी होगी तो अद्धी हो जानी है। पर कितने ना कितने जिस तरह अखबारों ने बयान लाए कि योगराज सिंह ने क्या है कि धोनी एक दिन मंगता बनूगा, सड़कों पर मंगन ला दू, वह भी तो एक बुरी चीज़ है। बदवा दे दें तो घर फुक जाए, मैं करना नहीं चाहता, मैं गुरुआ का हुक्म नहीं है, क्रिकेट सारी जिंदगी तो नहीं रहनी, सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना रहन बहारा। जिस दिन सारा कुछ खत्म हो गया, युवराज सिंह ने भी अपनी परिवार बना लिया, ये नहीं बना लिया, फिर उस तो बाद वैर बनया गया ना, तो जे गाह बच्चों का वैर बनया गया फिर। सो बंदे नू कदे भी कोई यहोजा काम नहीं करना चाहिए जिसे सिट्टे जाके आने वाली पुश्तां नू चुगने पिया। बिल्कुल, तुहाडियां फिल्मां बारे भी गलबात करांगे, पर एक छोटे जे ब्रेक का वेला है, तुसीं जायो किते ना बने रहो, क्योंकि शायद अगले होर 15 मिनट के जिस तरह दीआं गल्लां योगराज सिंह साडे नाल कर रहे हैं, मैनू नहीं लगता कि तुसीं किते वी जाओगे। बने रहो फास्ट वे न्यूज़ ते नाल।